ड्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने त्रिवेणी जनसभा को किया संबोधित। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी जिले के सिराथू प्रत्याशी ड्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने सिराथू क्षेत्र के दारा नगर में त्रिदेव जनसभा को संबोधित किया। ड्यूटी सीएम ने जनसभा में सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली सुविधाओं एवं सरकार की योजनाओं का बखान किया। ड्यूटी सीएम ने कहा कि हर घर में नल से जल पहुंचाएं बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में सिराथू विधानसभा के जीत इतिहास रचेगी। पूरे देश में सिराथू का मान और सम्मान बढ़ेगा। 10 मार्च के बाद सिंचाई के लिए जो भी किसान नलकूप लगा रखे हैं उनके बिजली का बिल सरकार भरेगी। इस बार मुस्लिम समाज के लोग भी भाजपा वोट देंगे। ड्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने भाषण में कहा कि यूपी में दो चरणों के मतदान का परिणाम स्वरूप पे साइकिल हवा में उड़कर पहुंच गई है। अखिलेश ने जिस बच्चे की वीडियो का ट्वीट किया है कि जितना मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में उतने बेरोजगार पिट गए भाजपा की सरकार में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा दो चरणों में चुनाव हारने के बाद वे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। केशव ने कहा अखिलेश को जब मालूम चल गया है कि तीसरे चरण में उनका और सरकार का सुपड़ा साफ हो रहा है तो वे बदतमीजी वाला बयान दे रहे हैं। केशव ने कहा कि पुलिस हमेशा लोगों की सहयोग करती है लेकिन अखिलेश उनको भी ठीक शब्द से नहीं बुला रहे हैं। पल्लवी पटेल के वीडियो वाले बयान पर जिसमें पल्लवी कह रही है कि मेरे अंदर इतना जज्बा है कि हम लोगों के लिए खून दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अगले की गर्दन भी काट सकती हूं वाले बयान पर कहा इसका जवाब सिराथू की जनता 10 मार्च को देगी। वो आपका वादा नहीं, वो केशव प्रसाद मौर्य का वादा होगा। लेकिन डायरी में नोट करके रखना, ये नहीं कि 2024 में जब फिर जाएं कि चलो माननीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है, कमल खिलाना है, तो कोई ये कहे कि आपने तो ये कहा था और आपने ये नहीं किया। जो हो सकता है वो जरूर हो जाएगा, मतलब उसको कोई है। लेकिन डायरी में नोट करना ठीक से। कई चीजें ऐसे, हर घर में पीने के पानी की कहीं भी समस्या है तो हर घर में नल से जल पहुंचाए बगैर चैन से बैठेंगे ही नहीं। चाहे कोई भी गांव होगा, हर गांव गांव में पानी की टंकी के माध्यम से हर घर घर तक पानी पहुंचाए। पहले बिजली का हाल क्या था, आज बिजली कोई मुद्दा है क्या? पहले मुद्दा बिजली आती नहीं है, अब मुद्दा बना हुआ बिजली जाती नहीं है, यही है ना। पहले ट्रांसफार्मर एक लगवाना हो तो मैं दारा नगर वालों को भी देखता हूँ, रात रात भर मुझे फोन करते, भाई साहब शाम को बिजली चली जाती है, एक सप्ताह काट देते हैं, एक सप्ताह आती है। और कार्यकर्ता को उस कार्यक्रम में सम्मेलन में आना, कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, कार्यकर्ता महासम्मेलन। सिराथू में कितना कार्यकर्ता है यह सैनी के मैदान में दिखाई देना चाहिए। जब कार्यकर्ता का सम्मेलन इतना बड़ा होगा तो अगर जनसभा होगी तो कितनी बड़ी होगी, चला जाए। पंकज मुझे इशारा कर रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर आ गए, आगे की यात्रा है। तो मैं आप सबको आह्वान करके आप सबका मान सम्मान हर प्रकार से बढ़ाने का काम करूंगा। आपका जो वादा है वो मेरा वादा है। लेकिन लिखे रहिएगा ये जरूर, मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। यहाँ कई प्रधान, कई पूर्व प्रधान, कई बीडीसी तमाम प्रकार के दायित्व में रहे हैं और आगे रहने वाले हैं। जो बूथ का अध्यक्ष है, कल मंडल अध्यक्ष होगा, जिला अध्यक्ष होगा। उनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा है कि मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मैं आपके लिए खून बहा सकती हूँ, अगले का गर्दन भी काट सकती हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी प्रत्याशी बन सकता है और कोई भी किसी भाषा का जो प्रयोग कर रहा है उस पर मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं प्रतिक्रिया दूँ, लेकिन मैं नो कमेंट करके उसका उत्तर सिराथू जनता। आपने छापा पड़ा है कार्यालय में, कल पढ़ ले दो यार, कल छापा पड़ेगा। अखिलेश ने एक ट्वीट किया है, अखिलेश ने एक ट्वीट किया है एक बच्चे की वीडियो पर ट्वीट किया है, इतना तो मजनू में नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार छात्र भाजपा की सरकार में पिट रहे हैं। अखिलेश ने एक वीडियो के बच्चे की वीडियो पर ट्वीट किया है कि इतना तो मजनू भी पिट गया, क्या इतना तो मजनू भी नहीं पिटे लैला के प्यार में, इतना छात्र पिट रहे हैं भाजपा की सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दो चरण के चुनाव में वो हार चुके, उनको पता है। तीसरे चरण में वह स्वयं और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और उनको यह जब मालूम होता है तो वह पुलिस वालों को ये नहीं कहते हैं, पुलिस के जवानों जरा इधर व्यवस्था ठीक रखो,
उसको सभ्य मंच से वो बदतमीज जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब इतनी अस्तरहीन भाषा का प्रयोग, जो उनकी सुरक्षा कर रहा है, जो प्रदेश की जनता की सुरक्षा कर रहा है, जो 5 साल से गुंडों को जैसे सुधारना चाहिए उनको सुधारने के लिए अपने दिन रात परिश्रम करने का काम किया है, कई पुलिस के जवानों का बलिदान भी इस संघर्ष में हुआ है, लेकिन पुलिस के जवानों का अभिनंदन करने की जगह, क्योंकि सबसे अधिक गुंडे समाजवादी पार्टी में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे बेचैन है अखिलेश यादव जी, उनकी बेचैनी अलग अलग रूप में उनके कुछ सलाहकार होंगे वो दे देते होंगे और ट्वीट करवा देते होंगे।